ऑल राइट गाइस, स्वागत है आप सबका फिर से एक बार मेरी नई वीडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं इसी वेबकैम के बारे में जो कि आता है लॉगीटेक की तरफ से। C270 मॉडल नंबर इसका, 720p कैमरा विद 30 fps। तो क्या है इसकी क्लैरिटी, कैसा सही कैमरा है या नहीं, वर्थ है या लेना नहीं, सब इसी वीडियो में मैं आपको अभी आगे बताऊंगा। उससे पहले मैं एक चीज बता दूं, इसको मैंने स्ट्रीमिंग के लिए भी यूज करा है, तो मैं एक छोटा सा सैंपल आपको वीडियो में ऐड करके आगे दिखा दूंगा। आपको आइडिया लग जाएगा कि अगर आप स्ट्रीमिंग के लिए लेना चाहते हो तो उसके लिए ये कैसा है। हर चीज के बारे में बात करेंगे। और उससे पहले आपको पता है क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियोस को लाइक शेयर जरूर करना और बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना ताकि आगे आने वाले वीडियोस आप मिस ना कर पाओ। अनबॉक्सिंग में टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब बनता नहीं है। ये रहा इसका डब्बा, इसके अंदर कुछ इस तरीके का हमें ये देखने को मिलता है। जब आप पहली बार खोलोगे, यहाँ पे आपका वायर वगैरह दिया हुआ था, एक साइड यहाँ पे कुछ यूजर मैनुअल दिया गया था, इन सारी चीजों को हम साइड करते हैं, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। फिर हमारा आ जाता है मेन ये कैमरा। एक चीज मैं बता दूं भाई, एक चीज मेरे को सही लगी, क्योंकि पहले के टाइम पे जो कैमराज आते थे उनमें आपको CD वगैरह मिलता था, तो पहले आपको वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ता था, उसके बाद आप उसे यूज कर पाते थे। इन सारे कैमरों में अब वो नहीं है, सिंपल आपको प्लग एंड प्ले है, सिर्फ आपको अपने लैपटॉप से प्लग करना है और यू आर गुड टू गो। तो वो एक चीज है, यहाँ पे 720p देखो लिखा हुआ है, ये एक इंडिकेटर लाइट है, वो मैं अभी आगे वीडियो में बता दूंगा। इसमें आपको इनबिल्ट माइक्रोफोन का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है, तो वो भी एक बहुत सही चीज़ है मीटिंग वगैरह में, या फिर आप ऑनलाइन क्लास वगैरह के भी लेना चाहते हो तो इसके माइक्रोफोन के थ्रू जो है क्लैरिटी वगैरह है काफ़ी सही आती है। मैंने यूज़ करा, मैंने बताया आपको स्ट्रीमिंग में यूज़ करा है, तो वो एक चीज़ सही है। यहाँ पे लॉगी का आपको लोगो देखने के लिए मिल जाता है, ये चीज़ काफ़ी इसकी सही है, एडजस्टेबल है। और क्लिप तो आप इसको अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हो, ये पूरा ऐसे खुल के और यहाँ तक फोल्ड हो जाता है, तो ये आप अपने सिस्टम या लैपटॉप के हिसाब से यूज कर सकते हो। केबल की लेंथ ठीक ठाक है, इससे ज्यादा आप कहां ही ले जाओगे भाई इसे। तो कुछ इस तरीके से ये आपको लैपटॉप पे सेट हो जाएगा। आपको भी लग रहा होगा भाई बीच में क्यों वेबकैम लगाया है, तो भैया मेरे लैपटॉप में वेबकैम है ही नहीं। हाँ, पहले से ही नहीं दिया, ये आसूस का एक मॉडल है जिसमें नहीं आता है वेबकैम, तो इन सब चीजों को साइड कर उसके बाद मैं बता देता हूँ। देखो सिंपली आपको इसका USB प्लग लेना है और अपने लैपटॉप में प्लग कर देना है और बस। अब आपको कुछ नहीं करना, मैं आपको एप्लीकेशन खोल के दिखा देता हूँ। कैमरा आपको सिर्फ ऐप को ओपन करना है और आप देख सकते हो ये काम कर रहा है। वहां पे आप देख सकते हो ग्रीन कलर की लाइट जल गई है और अब ये सही काम कर रहा है, तो कुछ इस तरह की क्लैरिटी। और एक चीज मैं पहले ही बता दूं भाई कि जो ये अभी कैमरा है जो मेरे रूम लाइट में, मतलब अभी दिन में नहीं है, रात में मैं वीडियो ले रहा हूं और बहुत ज्यादा भाई कोई स्टूडियो वगैरह नहीं है, सिंपल मेरा रूम है और रूम लाइट में ही ये शूट हो रहा है। तो आप देख सकते हो क्लैरिटी काफी ज्यादा बढ़िया है रूम लाइट को देखते हुए। ये देख सकते हो 30 fps का कैमरा भाई, बहुत सही काम करता है, मतलब देखा। तो प्राइसिंग वगैरह मैं अभी आगे वीडियो में बताता हूँ, बाकी आप देख लो, बहुत सही से काम कर रहा है, बिल्कुल लैग और डिले नहीं देखने के लिए मिलता है इसमें। सो भाई अगर क्वालिटी की बात हो ही रही है तो मैं अपने रूम का एक मेन लाइट ऑफ करके आपको दिखा देता हूँ कि अगर लो लाइट में आप इसे यूज करना चाहते हो तो कैसी आपको परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। सो ये देख सकते हो अभी मैं अपना मेन लाइट ऑफ कर दिया, अभी सिर्फ और सिर्फ मेरे रूम का एक CFL जल रहा है। CFL भी नहीं है, छोटी वाली LED बल्ब है, वो भी 10 या 12 वॉट वाली, मतलब एक सिंपल सा एक छोटा सा LED बल्ब जल रहा है रूम में और कुछ भी नहीं है, तो काफी सही है मतलब। और अगर बिल्कुल मैं अंधेरा करके दिखा दूं तो आप एक सेकेंड बस वेट करो। सो भाई ये पूरा ही गायब हो गया, तो कोई मतलब नहीं बनता इस चीज का। सो वो चीज़ है भाई, तो क्लैरिटी का आपको पता चल गया होगा, पूरे अंधेरे में ये काम नहीं करता है, थोड़ी सी रोशनी आपको चाहिए होगी, बाकी मेरे हिसाब से क्लैरिटी बिल्कुल परफेक्ट है। सो अब आप देख सकते हो कि अगर आप इसको स्ट्रीमिंग वगैरह के लिए यूज़ करते हो तो कुछ इस तरह की क्वालिटी आपको निकल के दिखाई देगी। ये भाई देखो, ये आपको थोड़ा सा स्लो लग रहा होगा, वो इसलिए क्योंकि वो डिपेंड करता है सॉफ्टवेयर टू सॉफ्टवेयर या फिर ऐप टू ऐप आप किस चीज़ के साथ इसे यूज़ कर रहे हो। क्लैरिटी कहीं भी कम नहीं हुई भाई, क्लैरिटी वही देखने को आपको मिलती है, बिल्कुल ही सही है, परफेक्ट ऐप यूज़ कर सकते हो। ये नेटवर्क स्लो है मेरा, या फिर कभी कभी होता है ऐसा भाई, सॉफ्टवेयर के साथ भी कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं तो इस तरह से काम करता है, पर ये बिल्कुल परफेक्ट है। सो अब बात कर लेते हैं फाइनली आपको लेना चाहिए कि नहीं। भाई मेरे हिसाब से ये बिल्कुल एक परफेक्ट कैमरा, अगर आपको एक 720p का वेबकैम चाहिए, फर्क नहीं पड़ता आपको ऑनलाइन क्लास के लिए चाहिए, मीटिंग के लिए चाहिए, स्कूल्स वगैरह अटेंड करने के लिए चाहिए, या फिर एक स्ट्रीमिंग के लिए चाहिए, बिल्कुल एक परफेक्ट चॉइस है भाई। आपको पता है मेरे को मार्केट में बहुत सारे ऑप्शन आप देख रहे होंगे, 1000 रुपये तक अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो भाई, इसकी जो प्राइसिंग है 1500 से 1600 रुपये का आपको देखने के लिए मिल जाएगा, ऑफर में थोड़ा बहुत और कम होता है, तो भाई एक बहुत ही बढ़िया डील है, क्योंकि भाई क्वालिटी ओवर क्वांटिटी मैंने हमेशा से बोला है और क्वालिटी मैटर्स, क्योंकि लास्ट में भाई वही चीज़ है कि बढ़िया चीज़ लोगे तो भाई थोड़ा सा महंगा पड़ता है पर सही चीज़ आपको देखने के लिए मिलेगा। लॉगीटेक का बहुत ही सही, लाइफ इसकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी होने वाली है, मेरे को पता भाई, क्योंकि मैं माउस और उसके गेमिंग कीबोर्ड वगैरह यूज़ कर रहा हूँ इतने सालों से, तो मेरे को पता है ये कंपनी का क्या है।
ठीक है, तो मैं बिल्कुल प्रेफर करूंगा भाई आप इसके लिए, अगर आप थोड़ा बहुत अगर आप और किसी भी ब्रांड पे ध्यान जाना है एक बार के लिए, जाओ ₹1000 तक अगर आपका बजट है, थोड़ा सा एक्सटेंड करो उसको, ठीक है, 1500-1600 में ये ले लो, बहुत ही प्यारी चीज़ है, बहुत ही सही क्लैरिटी है। ये तो मैं अपने रूम, मतलब मेरा कोई स्टूडियो नहीं है भाई, ये रूम लाइटिंग में मैंने आप इसको टेस्ट करके दिखाया। अब आप एक बार के लिए इमेजिन कर लो, अगर आप रिंग लाइट वगैरह यूज़ करते हो और उसके साथ ही से यूज़ करते हो, तो फिर बिल्कुल आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं, और ज़्यादा बढ़ के क्लैरिटी इसके देखने के लिए मिलेगी। बाकी सही है, बिल्ड क्वालिटी वगैरह परफेक्ट है, मतलब एकदम स्टर्डी और सही है, कोई चीप टाइप वाली फीलिंग नहीं है। तो बाकी सब मेरे हिसाब से मैंने कवर कर दिया, कुछ पूछना हो एज यूजुअल कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, मैं बता दूंगा। और बस मिलते हैं आने वाली वीडियोस में, ऐसी मजेदार वीडियोस में लाता रहता हूं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियोस को लाइक शेयर जरूर करना और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, ताकि आगे आने वाली वीडियोस आप मिस ना कर पाओ। और तब तक के लिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं आने वाली वीडियोस में।